लगातार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से जिक्र करते हैं कंझावला केस की लेटेस्ट अपडेट की माने तो कंझावला केस में आरोपी दीपक खन्ना की जमानत याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जमानत याचिका को रद्द करने के साथ ही रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है। फटकार क्यों लगाई है? क्योंकि दिल्ली पुलिस का इस पूरे केस में असंवेदनशील रवैया है। इस पूरे केस में जब दिल्ली पुलिस से सवालात किए गए तो उनके जवाब कोर्ट को असंतुष्ट साबित हुए, जिसके बाद कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि दिल्ली पुलिस के इस रवैये ने न्यायिक व्यवस्था को और साथ ही न्यायिक चेतना को झकझोर करके रख दिया है। आगे से अगर कोई ऐसी अर्जी दाखिल करता है तो खुद डीसीपी व्यक्तिगत तौर पर इसकी निगरानी करेंगे और उसके बाद ही कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, वहीं दूसरी ओर तीसरा आरोपी दीपक खन्ना, इसने भी अपनी जमानत याचिका को रोहिणी कोर्ट में दाखिल किया था। आज उसकी सुनवाई थी और इस सुनवाई में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अगर आरोपों की बात करें तो आरोपी दीपक खन्ना पर इस पूरे मामले में गुमराह करने का आरोप लगा है पुलिस को। पुलिस का इसमें जवाब क्या रहा उसके बारे में भी चर्चा करनी दिलचस्प रहेगा। पुलिस ने सबसे पहले इस पूरे मामले में कहा कि जो उस रात कार थी वो दीपक चला रहा था, मगर जब तहकीकात की गई तो पता चला कि कार दीपक का भाई अमित चला रहा है। फिर इसके बाद आगे तहकीकात बढ़ी तो पता चला कि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसीलिए दीपक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ऊपर सारा इल्जाम लगा लिया। जब ये मामला कोर्ट में रखा गया तो कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि पुलिस के जो छानबीन है उसमें लापरवाहियां बरती गई हैं। पुलिस अपने ही बयानों पर टिक नहीं रही है, पुलिस लगातार बयान को बदल रही है, इसीलिए इस पूरी जमानत याचिका को रद्द किया जाता है। फिलहाल देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या सुनवाई होती है। चार आरोपी अभी बाकी हैं, माफ कीजिएगा, पांच आरोपी अभी बाकी हैं जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही है। पांच आरोपी अभी बाकी हैं, क्या बाकी के आरोपी भी अपनी जमानत याचिका को दाखिल करेंगे कोर्ट में? और अगर कोर्ट में दाखिल करते हैं तो कोर्ट क्या उन सभी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करता है, या फिर अगली सुनवाई में कंझावला केस में हमें सजा का ऐलान होता हुआ नजर आएगा? इस पूरे रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।